कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो किचन से ही ब्लॉग शुरू हो रहा है, बना रही हूँ ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। और ये चढ़ा दिया है मैंने, देख लीजिए रहा एक मिनट गाइस, इसी ट्राई। तो ये देखें, ये ऑयल डाल दिया है, चलिए इसे बना लेते हैं। सरसों का ऑयल है तो इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। सबसे पहले ऑयल थोड़ा सा गर्म और हो जाए। तो ऑयल हो चुका है गर्म, तो चलिए डालते हैं इसमें ज़ीरा। थोड़ी प्याज, थोड़ी हरी मिर्च, भूनने देते हैं थोड़ी देर। गाइज़ अगर आप पहली मरतबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में। मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये थोड़ा सा प्याज गुलाबी हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन काट के डाल सकते हैं बारीक करके, पर मैं पेस्ट डालूँगी इसका क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना छोटे, तो उनको मुँह में आता है ना, तो कहते हैं मम्मी ऐसा नहीं डाला करो, इसलिए मैं सॉरी पेस्ट डालती हूँ। तो ये प्याज हमारे हो चुके हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट के लिए इसे भुनने देते हैं थोड़ी देर। और ये मैं साथ भी बनाती हूँ ग्वार की फली और आज बना रही हूँ आलू में। आलू में पहली दफ़ा बना रही हूँ, सेम तो बनाती हूँ मैं ये। और हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भून जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये देखें इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो जी टमाटर भी हमारा भून चुके हैं तो हम डाल देंगे इसमें अपनी सब्जी, ये मैंने काट ली थी और धो करके रख ली है। आलू भी है इसमें और ये पनीर भी है। शाम के बज रहे हैं अभी 7, तो हम इसे चला लेते हैं थोड़ा सा ऐसे पका लें 4-5 मिनट। फिर हम इसमें सूखे मसाले जो होते हैं वो डाल देंगे। चलिए तो सूखे मसाले ऐड कर देते हैं इसमें। सबसे पहले जाएंगे इसमें मिर्चें, 1 चम्मच मिर्च डालूंगी क्योंकि हरी भी डाल दी है मैंने इसमें, तो ये डाल दी 1 चम्मच लाल मिर्च। आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ और धनिया भी आएगा कल। और हम डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और हम इसे अच्छे से मिला देंगे।
मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने भोकर से पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये अभी अपना पानी छोड़ेंगी। अगर ये लगती है नीचे थोड़ी बहुत तो मैं डालूंगी पानी, वरना मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको। हम इसे ढक देंगे जैसे और धीमी आंच कर देंगे। मैंने धीमी आंच कर दी है इसे और इसे हम 10 मिनट बाद खोल कर देखेंगे। अगर ये लग रही है तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। चलिए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कमरे का हाल क्या हो रखा है। ये देखें, गिलास पैंट उतार के डाल गए हैं, चाय पी कर गया मेरा बेटा, उसका मग रखा है। तो चलिए थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे हम रोटी। और लैपटॉप चल रहा है, तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर। तो चलिए सब्जी देख लेते हैं। वैसे मैंने एक दफा चला दी इसे, माशाल्लाह लगी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हो। इनको लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और इन्होंने कुर्ते की पजामी उतार दी है और पहन लिया है अपना कच्छा और एसी चला के गेट बंद करके जनाब और बैठ गए। तो ये देखें माशाल्लाह से कमरा तो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो बस 10 मिनट रेस्ट करके फिर डाल दूँगी रोटियाँ। देखें और देखिए पजामी पड़ी है जनाब की। हाय तो बोल दो। अरे देख लो इधर थोड़ा सा, वही वही देखो तो। हेलो गाइस तो बोल दो। अच्छा आज हेलो गाइस नहीं बोला आज बोल दो हेलो गाइस जल्दी। कैसे बोलता मेरे बेबी गाइस? हम बोलते हैं इसमें आ चुका है चाय वाली लेडी का भूत। तो और सुनाइए मेरी बहनें क्या क्या कर रही हैं, किसने क्या क्या बनाया आज मुझसे शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मुझे मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज है फ्राइडे, तो रात का व्लॉग तो मेरा अधूरा। बेटा एक मिनट, बस एक मिनट, ला रही हूँ बाबू, ला रही हूँ चाय। ठंडी करने के लिए रखी, गर्म हो रही है ना, इन्हें चाय चाहिए। अब साइकिल चला कर आए नीचे। हाँ अभी लगा रही हूँ मैं भी। तो वो तो अधूरा रह गया व्लॉग, अब मैं किसी और दिन डाल दूँगी उसकी वीडियो। अगर आज की और कल की मिलाकर डालती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोर लगने लगती है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड भी कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। तो गाइज़ अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो लाइक एंड शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो सिंपल सी रेसिपी होती है मेरी, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे। मैं अभी न्यू हूँ तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अगर चाहते हैं, पब्लिक जो होती है वो एक इंसान को बना सकती है और गिरा सकती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, सपोर्ट करिए मेरी फैमिली को और मुझे। हाँ बाबू ला रही हूँ। तो गाइज़ एक मिनट, अभी मैं चाय ला देती हूँ बेटे को, उसकी चाय ठंडी हो चुकी है। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ और सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, गैस ऑफ कर दी है मैंने। तो प्लीज़ अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा आप लोग, और ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से हमारी वीडियो थोड़ी सी सर्च में आने लगेंगी, तो यही मेरी हेल्प होगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो का एंड कर लेते हैं।
आपसे अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का, फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।